ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां आज मोहन कैबिनेट का दूसरा विस्तार होने जा रहा है। राम पथ लेंगे तो वहीं विजयपुर से विधायक है रामनिवास रावत, दो और विधायकों के भी मंत्री बनने की चर्चा है। दो महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए है रावत। सुबह 9 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है। सीएम मोहन ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है और आज शपथ ग्रहण समारोह है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रामनिवास रावत आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट विस्तार, ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है और इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। अब आपको बताते हैं कि कौन है रामनिवास रावत। श्योपुर के विजयपुर से 6वीं बार के विधायक है रामनिवास रावत। चंबल क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। 2019 में मुरैना सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, बड़ा पद संभाल चुके हैं। दिग्विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं रावत। 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये आपको बताया हमने कि रामनिवास रावत कौन है। चंबल के बड़े ओबीसी चेहरा हैं और 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में वो शामिल हुए थे। इसके बाद आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। मोहन सरकार का ये कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और आज रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 बजे मंत्री पद की शपथ को लेकर कार्यक्रम है और ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, रामनिवास रावत आज कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दो और नाम ऐसे हैं, दो और विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है, वो नाम कौन कौन से हैं और अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, संभावना बहुत कम है। कल रात से हम ये बता रहे थे कि नाम कितने भी चलते रहे, लेकिन एक ही नाम दिखाई देगा, रामनिवास रावत। तो रामनिवास रावत ही कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बाकी नामों पर 15 अगस्त के आसपास फिर चर्चा होगी और 15 अगस्त से पहले एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें कुछ नए नाम दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक ही नाम है, रामनिवास रावत। विजयपुर से लगातार चुनाव जीतते रहे, बीच में एक चुनाव हारे, 6 बार के विधायक है और बड़ा लंबा अनुभव है उनके पास। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो पहले से ही ये चर्चा थी, कई बार मेरी भी उनसे पर्सनल बात हुई, वंश न्यूज की बात हुई, तो उसमें साफ उनका इशारा लग रहा था कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और आखिरकार वो वक्त आ गया है। तो आज सुबह 9 बजे कैबिनेट मंत्री पद की शपथ रामनिवास रावत ले लेंगे। रात को ही वो भोपाल पहुंच गए अपने तमाम लोगों के साथ, तो खुशी की लहर है, खासकर उनके क्षेत्र में विजयपुर में, और बहुत सारे समर्थक उनके यहाँ पहुंचे भी है। लेकिन ये विस्तार ऐसे समय हो रहा है जब उपचुनाव एक दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आज सबसे पहले वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, विधायक पद से, फिर मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन्हीं दिनों में नई तारीखों का ऐलान हो जाएगा, फिर वो चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव जीतकर उनको आना होगा। दूसरा, पार्टी दरबदन का मसला है, पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो ये चीजें दिखाई देंगी। और मुझे लगता है उसी के आसपास फिर नया मंत्रिमंडल एक बार और होगा, क्योंकि अभी भी 2 पद खाली रहेंगे तो जगह तो है, और इस बीच में कुछ फेरबदल भी देखने को मिलेगा। तो आज ना तो कोई फेरबदल होगा और ना ही किसी और की शपथ होगी, सिर्फ रामनिवास रावत शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच में रात को भी चर्चा हुई वरिष्ठ नेताओं के बीच में, तो अब ये साफ हो चला है कि रामनिवास रावत ही शपथ लेंगे। दो नामों की और चर्चा थी, कमलेश शाह की बात करें, निर्मला सप्रे, बीच में गोपाल भार्गव भी वहां से अचानक निकले तो वो भी चर्चा में आ गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि सब पर विराम लग गया, रामनिवास रावत शपथ लेने जा रहे हैं 9 बजे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और एक और बड़ी